नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बार गर्मियां कुछ खास टाइम तक नहीं रही क्योंकि बीच बीच में जो बारिश हुई है उसकी वजह से, और अभी जो है जून शुरू हो चुका है। जून के एंड में बारिशें शुरू हो जाती है, कुछ जगह तो जून के स्टार्टिंग में भी आ जाती है, लेकिन मेरे यहाँ पे जो है जून के एंड में जो है बारिशें शुरू हो जाती है। बारिश के मौसम में हमें गार्डन में कुछ काम करने होते हैं जो कि उस समय पर हमें कर लेने चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पर है कि बरसात के मौसम में हमें क्या क्या काम करने होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर जो है एक गिव अवे चल रहा है और जो विनर होगा उसको एक प्लांट मिलेगा। आप भी गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक पौधे से या एक पेड़ से जो है कई पेड़ पौधे तैयार कर सकते हैं। एयर लेयरिंग करना बहुत ही आसान है और इसके लिए बेस्ट टाइम होता है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में जो एयर लेयरिंग है उसका रिजल्ट जल्दी आता है, यानी कि 15 से 20 दिन में रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई बरगद का ट्री है तो आपने देखा होगा रेनी सीजन में उसकी जो नई एरियल रूट्स है वो ग्रो कर जाती है, तो उस समय के रूट्स जो है बहुत ही इजीली ग्रो करती है। तो इस बार जो है बारिश के सीजन में आप भी जो है एयर लेयरिंग ट्राई कर सकते हैं। एयर लेयरिंग कैसे करते हैं इस पर जो है मेरे काफ़ी वीडियोज़ भी हैं, आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर दो, कटिंग्स। बरसात के मौसम में आप कटिंग्स भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप इंडोर प्लांट, फ्रूट प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट सभी तरह की कटिंग्स जो है वो लगा सकते हैं। इस पर भी मैं पहले ही अपडेट के साथ वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कटिंग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि, और आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो हमने जो हमारे स्टोर पर जो रूटिंग पाउडर है वो ऐड कर लिया हमारे स्टोर पर, तो आप अगर चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे कैटलॉग जो है उसमें भी मैंने ऐड कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर तीन, सोइंग फ्रूट सीड्स। देखिए फ्रूट के जो प्लांट होते हैं उनके सीड्स जो है दो टाइम पे आप लगा सकते हैं, एक तो फरवरी के अंदर, दूसरा बारिश के सीजन में। बारिश के सीज़न में मोस्टली जो सीड्स लगते हैं वो क्या ताज़ा होते हैं, क्योंकि इस समय सभी फ्रूट जो है मार्केट में मिलते हैं, तो जो अगर आप घर पे कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके सीड्स लगा सकते हैं इस समय पे। इस समय आप फ्रूट के प्लांट के सीड्स लगाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, जर्मिनेशन जो है वो जल्दी हो जाती है। आप जामुन, नींबू, अनार, मोरिंगा आदि के बीज जो है वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही कुछ पेड़ जैसे गुलमोहर, अमलतास आदि भी लगा सकते हैं। अमलतास और मोरिंगा को बीज से कैसे ग्रो कर सकते हैं इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, और इसके सीड्स भी हमारे पास मिल जाएंगे अगर आपके आस पास ना मिले तो। नंबर चार, चेक पॉट ड्रेनेज सिस्टम। देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है, गमले में ज़्यादा देर पानी रहने से क्या है उसकी जो रूट्स है वो सड़ जाती है, जिससे पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं। और गमले में पानी भरे रहने के दो बड़े कारण होते हैं, एक तो अगर आपका सोइल वेल ड्रेन नहीं है तो पानी जो उसके अंदर खड़ा रहेगा क्योंकि वो पानी को ड्रेन कर नहीं पाएगा और इस वजह से पानी उसमें भरा रहेगा, तो इसलिए हमेशा जो है वेल ड्रेन सोइल का यूज़ करें। दूसरा, कुछ टाइम क्या होता है कि सोइल जो है वेल ड्रेन होता है लेकिन फिर भी जो है गमले से पानी जो है वो निकलता नहीं है, बारिशों में पानी उनमें खड़ा रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो ड्रेनेज होल है उसको चेक करना चाहिए। होता ये कि जो रूट्स होती है वो जब ड्रेनेज होल के अंदर चली जाती है तो वो क्या नीचे जाती है, और वो जब मोटी होती है तो ड्रेनेज होल को जो है ब्लॉक कर देती है, जिससे कि आप हम जब पानी डालते हैं तो वो निकलता नहीं है नीचे, तो आपको चेक करना है कि उसके ड्रेनेज होल में कोई रूट्स है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, कट करके उसको निकाल लें ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा हो सके और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलता रहे, ताकि आपके प्लांट के रूट्स जो है वो सड़े ना। नंबर पाँच, क्लीन एंड क्लियर योर पॉट। अगर आपके प्लांट के गले सड़े पत्ते पॉट में पड़े हैं या प्लांट की ब्रांच सूखी हुई है, तो ऐसे में आपको क्या है प्लांट और पॉट दोनों को जो है साफ करना होगा, यानी कि उसमें से गली सड़ी जो पत्तियां हैं, जो ब्रांचेस है वो हटानी होगी, अदरवाइज ये फंगस का कारण बन सकती है जो कि आपके प्लांट के लिए ठीक नहीं है। तो बारिश के सीजन में अपने पॉट्स को क्लीन और क्लियर रखिए, साफ सुथरा, गले सड़े पत्ते वगैरह जो है वो हटा दीजिए। नंबर छः, प्रिपेयर सोइल मिक्स फॉर रेनी सीजन। गर्मियों के लिए जो सोइल मिक्स हम तैयार करते हैं उसके अंदर हम जो है कोकोपीट और पत्ती हुई खाद डालते हैं, ताकि सोइल के अंदर जो है नमी अच्छे से बनी रहे, क्योंकि गर्मियों में सोइल जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। लेकिन जब आप रेनी सीजन के लिए सोइल तैयार करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि मौसम है वो ऐसा रहता है कि उसमें हल्की नमी रहती है। दूसरा, उसमें अगर आप ऐसा सोइल तैयार करेंगे जिसमें नमी रहती हो तो क्या हो सकता है, रूट्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेनी सीजन में हमेशा बिल्कुल वेल ड्रेन सोइल यूज करें ताकि ज़्यादा देर पानी ना रुके। अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप जो रिवर सैंड है वो यूज़ कर सकते हैं,
कोकोपीट यूज करना हो तो कम मात्रा में करें। नंबर 7, रिपोर्ट। गर्मियों में बहुत सी क्वेरी आई थी कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं क्या प्लांट को, अगर गर्मी तेज है और आप उस टाइम पे अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो हो सकता है प्लांट को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी जब बरसात का सीजन आएगा उस समय अगर आप जाएं तो अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है, गर्मी कम होती है और ऐसे में प्लांट जो है ठंडे वातावरण में जो है ईजिली जो है सर्वाइव कर जाता है, जो सूखने के चांस है उसके कम हो जाते हैं। तो आप रेनी सीजन में जो है जो प्लांट आप रिपोर्ट करना चाहते थे वो अब कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने हमारे स्टोर पे कुछ चीज़ें और जो है अपडेट कर दी है, जैसे कि परलाइट हमारे पास पहले नहीं था वो मैं ले आया हूँ, और जो वर्मिकुलाइट है वो भी हमारे पास है, नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैनवर, ये सारी चीज़ ऐड कर दी है। साथ ही जो टोमेटो प्लांट के ऊपर क्लिप आती है वो हमने ऐड कर दी है, स्प्रे बॉटल जो है वो हमने ऐड कर दी है। तो काफ़ी चीज़ें अपडेट की है, आप जाके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जाके कैटलॉग चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमने अपडेट की है, या हमारे स्टोर पे जा सकते हैं mammalbonsai.in पर। तो ये कुछ काम है जो हमें जून जुलाई में कर लेने चाहिए ताकि रेनी सीजन में हमारे प्लांटों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको अपने गार्डन में कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।